आज फिर से मैं और डैश यहाँ पे आ चुके हैं खेलने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे बनाना होगा एक बिल्ड बैटल। और आज हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बनाने वाले। पता है डैश क्या बनाना है आज हमको? मुझे ये बता, तू बताएगा भाई? आज मैं ही बताऊंगा, क्योंकि पिछले दो बार से तू बता रहा है क्या बनाना है और दोनों बार तू हारा भी है। तो इस बार मैं बताता हूँ कि इस बार हम लोग बनाने वाले एक माइन, मतलब माइन है, तुझे पता है ना माइन, वो सिक्योरिटी वाला माइन। और फिर उसके बाद आखिर में हम लोग एक दूसरे के माइन वाले सिस्टम में जाएंगे और देखते हैं कौन ज्यादा बार जीता है। ज्यादा बार क्यों जीता है, एक बार तो बनाना है। अरे मतलब एक बार बताना है, लेकिन हमको पांच हार्ट मिलेंगे ना, जो पांच बार से ज्यादा मर गया वो हार जाएगा, ठीक है? तो इसकी विक्ट्री तो हमको वैसे ही पता चलेगा कि भाई जो ज्यादा बार हारेगा वो वैसे ही हार जाएगा। लेकिन तुम लोग भी कमेंट में रेटिंग दे देना कि किसका माइन तुमको ज्यादा अच्छा दिखा। और अंडरग्राउंड सिस्टम बोलते हैं वैसे तो उसको। तो डैश एक बात बता, तू कौन सा साइड लेने वाला है? मैं लूंगा भाई व्हाइट वाला साइड। ठीक है, तू व्हाइट ले ले और मैं ब्लैक साइड लूंगा, क्योंकि यार ब्लैक साइड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और एक मिनट भाई, कहां जा रहा है तू? इधर आ, इधर आ भाई। तूने ये तो बताया नहीं कि आज का लाइक एम क्या होगा। लाइक एम होगा भाई 67,000 सीधा, आज बहुत ज्यादा लाइक एम है 67,000। अरे भाई चलो देखते हैं, 67,000 अगर लाइक्स आ गए तो भाई उसके बाद तो लाइव स्ट्रीम में मैं फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है? तो चलो यार चलते हैं जल्दी से, मैं तेरा हेलीकॉप्टर लेके जा रहा हूँ भाई ब्लैक वाले साइड में। और फिर अरे कहाँ बैठ गया तू? अरे मक्खियाँ कहाँ से आ गई फ्लिक? पता नहीं यार मक्खी कहाँ से आ रही है। चल मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और तू भी स्टार्ट कर दे डैश जल्दी से। तो चलो यार डैश तो अपने साइड जा चुका अपना बेस बनाने के लिए, तो हम लोग भी जल्दी से काम चालू कर देते हैं। और तुम लोग को ये वाली छड़ी तो दिखी गई होगी भाई, ये जादू की छड़ी है जिससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। और इस बार मैंने कोई भी कैमरा या डोर वोर नहीं लगाया, क्योंकि यार मुझे चीटिंग करना नहीं है इस बार, क्योंकि यार चीटिंग करने के बावजूद भी तो मैं जीत ही जाता हूँ ना। तो एक ही मतलब है, एक काम करते हैं हम लोग जल्दी से बनाना चालू कर देते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस एरिया में माइन बनाऊंगा हमारा, मतलब जो हमारा सिक्योरिटी टनल है। तो सबसे पहले ये ब्लॉक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर थोड़ा दूर जाने के बाद इसको मैं ये वाला ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इतना बड़ा बेस हमारा रहेगा। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे मार्किंग के लिए मुझे ये वाला कमांड डालना पड़ेगा, तो ये पूरा एरिया उड़ जाएगा। अब मुझे वापस से ये वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद तो मैं सोच रहा हूँ भाई सबसे पहला जो हमारा एरिया रहेगा ना वो बहुत ज्यादा गहरा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एकदम अंदर तक खोद लेता हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद यार यहाँ अंदर पहुंचने के बाद मैं ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद वापस से यही कमांड डालूंगा, तो ये सब गायब हो जाएगा भाई। इतना बड़ा एरिया देखो हमारे लिए गायब हो चुका है, तो ये बहुत ज्यादा सही है। लेकिन यार मुझे ना डर्ट एकदम नहीं पसंद, शायद तुम लोगों को भी पसंद नहीं होगा। कमेंट में बताना मुझे कितने लोगों को डर्ट पसंद है कि नहीं। तो चलो यार ये बात छोड़ते हैं, अब एक काम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये अंदर का एरिया ना हमारा डायमंड का होना चाहिए, तो ठीक है यार डायमंड का करते हैं। तो डायमंड का करने के लिए मुझे वापस से इधर जाना पड़ेगा और यहाँ से एक ब्लॉक उठाना पड़ेगा, तो ये ब्लॉक को यहाँ लगा देते हैं और इसको सिलेक्ट करता हूँ। और फिर उसके बाद जाके ये वाले कॉर्नर में जाके मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बस मुझे एक कमांड डालना है जो कि है ये वाला। और मैंने जैसे ही एंटर दबाया वैसे ही भाई यहाँ पे पूरा वॉल बन गया है भाई, बहुत ज्यादा गजब दिख रहा है अब ये। और ये वाला जो एरिया है ना यार मुझे इसको भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी डायमंड का चाहिए भाई। सारे चीज डायमंड का रखेंगे हम लोग यहाँ पे अब। तो जल्दी से ये वाला कमांड में वापस डाल देता हूँ और एंटर दबा देते हैं। और भाई ये बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है हमारा, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा गजब दिख रहा है अब। और अब भाई वक्त आ चुका है हमारा सबसे पहला ट्रैप बनाने की। तो एक काम करते हैं यार, सबसे पहले हम लोग ऊपर से भी इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि यार ऐसा खुला तो नहीं रहेगा ना भाई, माइन है तो हमारा वो तो ऐसा बंद होना चाहिए पूरा। तो इसको मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ, और भाई ये वाला एरिया हमारा पूरा फ्लैट है। और अब मैं तुमको बताता हूँ कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायमंड का ब्लॉक उठा लेता हूँ, और कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक एरिया पे कुछ ऐसा ऊंची सी एक जगह बनाना पड़ेगा जो कि थोड़ा बहुत वॉल सामान दिखेगी, क्योंकि यार ये जगह थोड़ी हाईलाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहेगा हमारा सबसे पहला ट्रैप। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, तो ये जगह को उसको देख के कुछ तो अलग लगेगा, तो भाई वो ये वाले एरिया में आएगा। लेकिन ये वाला एरिया ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यार इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसा तोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद अरे भाई कहाँ घुस रहा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एक ऐसा एरिया बना देते हैं जो कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा होल्ड करने के लिए एक जगह बन जाएगी, और भाई वो स्टार्टिंग में यही पहली बार मर जाएगा। तो इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ लावा रखने का, तो जल्दी से लावा उठा लेते हैं। तो ये वाले लावा को मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से डाल देता हूँ। और भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि ये अगर ऐसा खुला रहेगा तो भाई वो क्यों जाएगा इधर, लेकिन ये खुला तो नहीं होने वाला भाई। यही तो बात है भाई फ्लिक एम्पायर की, ये खुला नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाऊंगा गोस्ट ब्लॉक। तो फिर जल्दी से गोस्ट ब्लॉक मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे गोस्ट ब्लॉक लगा देते हैं भाई। अब ये एकदम नॉर्मल लग रहा है, तो भाई वो यहाँ पे जैसे ही इस एरिया में जाएगा कुछ देखने के लिए तो भाई वो सीधा अंदर घुस जाएगा। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता भाई वो समझ जाए कि ये वाला एरिया में कुछ तो गड़बड़ है। उससे अच्छा हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक साइन बोर्ड उठा लेते हैं, और यहाँ पे मैं साइन बोर्ड लगा देता हूँ, और भाई इसके ऊपर लिख देते हैं नूब डैश। और भाई वो ये पढ़ने के लिए तो यहाँ पे आएगा ना, और इसको पढ़ने के लिए अगर वो यहाँ तक आया तो भाई सीधा अंदर घुस जाएगा। तो भाई ये वाला मेरा प्लान अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। तो एक काम करते हैं भाई, अब हमने ये वाला एरिया तो बना लिया, अब एक असली रास्ता भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो वो असली रास्ता के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाले कॉर्नर बनाते हैं इधर बीच बीच में, और भाई ये वाला ब्लॉक ज्यादा सही रहेगा। तो ठीक है यार, ये ब्लॉक से मैं नीचे का एक रास्ता बना लेता हूँ जल्दी से सबसे पहले। तो चलो मैंने इतना एरिया तो बना लिया है, और यहाँ पे फेक लावा डाल देते हैं। तो यार वो क्या पता अगर उसने यहाँ पे आके देख भी लिया कि यहाँ पे लावा पड़ा है, तो भाई वो उसको लगेगा कि ये असली लावा है, लेकिन ये होगा भाई फेक लावा। ये जो चीज है ना ये उसको हील करेगी, लेकिन वो इस पे कूदेगा नहीं। तो हमारा असली एंट्रेंस तो ये है, तो भाई वो सबसे पहले ये देखेगा, लेकिन इसको यहाँ पे आएगा नहीं। तो सबसे पहले एक मिनट यार, यहाँ पे मैं ये भी लगा देता हूँ, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको तोड़ो, ऊपर लगाना पड़ेगा ये ट्रैप। भाई फिर से ये क्या हो रहा है, ट्रैप डोर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है अब सही है यार, ये यहाँ पे उसको कूदना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे कूदेगा नहीं मुझे पता है। तो जल्दी से इसको बंद कर देते हैं। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई वो वहां पे तो एक बार मरेगा, और
और उसके बाद भाई वो यहाँ पे इसको देख के एक बार में घुसेगा नहीं। भाई कहाँ गया, मैं खुद भूल गया, वो जाने तो बाद में देख लेंगे, हमारे पास एक गॉगल है वैसे भी इसको देखने के लिए। तो भाई वो यहाँ पे लावा देख के तो उसमें घुसेगा नहीं। अब यहाँ पे ना मैं एक और ऐसा अंदर का एंट्रेंस बना देता हूँ और यहाँ पे डालेंगे हम लोग फेक वाला वाटर जो कि यार डैमेज करेगा। वो वाटर देख के कूद जाएगा एकदम नूब सामान, लेकिन वो चीज उसको डैमेज कर सकती है। तो वापस से एक और एरिया मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैं थोड़ा जगह भी बना देता हूँ क्योंकि यार उसको ऊपर से लगना चाहिए कि भाई आगे जाने का भी रास्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वाटर को, जो कि हमारा वाटर नहीं है भाई, ये फेक वाटर है, इसके अंदर बहुत तगड़ा डैमेज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कूदेगा और उसके बाद भाई जब उसको ये मिलेगा ना उतने में तो उसको बहुत देर हो जाएगी और वो दो बार मर भी चुका होगा। तो जल्दी से यार इसको मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूंगा क्योंकि यार उसको मुझे यहीं पे कूदाने का मेरा प्लान है। तो चलो जान दो, अब ये काम छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं वापस से यहाँ पे। और भाई कहाँ गया यार वो एरिया, मैं खुद भटक गया हूँ भाई, कहाँ गया। हाँ तो ठीक है यार, मुझे ये एरिया मिल गया। और फिर अब वो जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे ना हम लोग एक बहुत ज्यादा सही चीज बनाने वाले हैं। भाई एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से सीधा आगे जाने के बाद इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक एरिया बना लेते हैं पूरा। भाई ये देखो हमारी वॉल इतने जल्दी से आ चुकी है और भाई यहाँ पे एक होने वाला है बहुत तगड़ा वाला पार्कोर। तो सबसे पहले मैं एरिया अच्छे से बना लेता हूँ और उसके बाद पार्कोर बनाएंगे हम लोग। तो चलो यार मैंने ये वाला एरिया तो बना लिया है, अब एक काम करता हूँ यार, सबसे पहले यहाँ पे एक कवर कर लेता हूँ क्योंकि यार इससे ज्यादा बड़ा हमको नहीं बनाना है। तो भाई इतना हमारा ये काफी रहेगा। और अब जल्दी से ये वाले ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर जाके ये वाले ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से ये कमांड डाल देता हूँ जो कि है ये। और भाई ये जैसे मैं यहाँ पे करूंगा ना तो यहाँ पे पूरा लावा आ जाएगा और अब यहाँ पे होने वाले गजब का पार्कोर। तो यार सबसे पहले मैं सामने का पूरा फ्लैट कर देता हूँ। और यार ये कहाँ से आ गया लावा, यार मैंने थोड़ा सा गलत सिलेक्ट कर लिया इसको। तो जाने दो यार, कोई बात नहीं, जल्दी से इसको पूरा कवर कर लेते हैं और फिर सामने में जाके हमारा पार्कोर बनाएंगे हम लोग। तो मैंने अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ले ली है, जो जो चीजें मुझे यहाँ पे लगेगी हमारे पार्कोर को बनाने के लिए। तो ज्यादा हार्ड नहीं बना रहा हूँ भाई, एकदम नॉर्मल पार्कोर बनाएंगे हम लोग यहाँ से। तो स्टार्टिंग का तो एकदम नॉर्मल रहेगा और उसके बाद हम लोग भाई धीरे धीरे इसका लेवल थोड़ा हार्ड करेंगे। और फिर देखो ये तो तीन ब्लॉक एकदम नॉर्मल है और फिर उसके बाद भाई मैं यहाँ पे लगाने की सोच रहा हूँ आयरन रॉड। यहाँ पे दो आयरन रॉड लगाएंगे और उसके बाद उसको हम लोग वापस से ये वाले साइड लेके आएंगे थोड़ा सा, और हाइट भी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है भाई, एक मिनट यार, पहले मैं खुद कूद के तो देख लूँ कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। हाँ यार ज्यादा हार्ड नहीं है, देखते हैं वो कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो भाई वो तो बहुत बड़ा नूब होगा क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा ईजी बना रहा हूँ मैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ हार्ड बनाना पड़ेगा। और भाई ये देखो ये वाला जो ब्लॉक है ना ये घोस्ट रहेगा। ठीक है, अब अगर वो इस पे कूदा तो भाई वो सीधा लावा के अंदर गिरेगा और उसका गेम यही खत्म हो जाएगा। तो भाई वो पक्का मैं बता रहा हूँ वो इधर तो नहीं कूदने वाला होगा क्योंकि वो सोचेगा कि भाई ये ज्यादा हार्ड है तो यहाँ नहीं कूदेगा, इसको सबसे पहले प्रीफर करेगा। लेकिन वो यहाँ पे मरेगा फिर उसके बाद यहाँ पे कूदेगा। तो यार इतने में उसकी तीन बार तो मौत हो ही जाएगी कन्फर्म, लेकिन अगर वो नूब रहा तो भाई पांच बार तो वो इतने में ही मर जाएगा। लेकिन अभी मेरा आधे ज्यादा बिल्ड बाकी है, देखते हैं क्या होता है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो मैं आगे का यहाँ पे खत्म कर देता हूँ जल्दी से। तो यार मैंने पार्कोर का एरिया पूरा बना लिया है। अब भाई ये वाला तो फेक ब्लॉक है तो यार ये वाला एरिया तो मैंने उसको दिखावे के लिए बना दिया है, लेकिन उसको यहाँ से सबसे पहले यहाँ कूदना पड़ेगा और फिर यहाँ से आगे जाके वो भाई आखिरकार यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये ज्यादा हार्ड भी नहीं यार, लेकिन मैं जो आगे बनाने वाला हूँ ना वो बहुत ज्यादा ही हार्ड होने वाला है, तुम लोग खुद सोचोगे कि मैंने क्या बना दिया। तो जल्दी से ये वाला एरिया को वापस हम लोग थोड़ा बहुत खोद देते हैं और फिर ये वाले एरिया में मैं वापस से प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। तो चलो ये वाला एरिया तो मैंने बना लिया है और ये वाले एरिया को ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। काम करते हैं यहाँ पे एक डोर लगा देते हैं जो कि रहेगा पासवर्ड वाला डोर। तो जल्दी से मैं ये एरिया को बंद कर देता हूँ और इसका पासवर्ड मैं रखने वाला हूँ 333, क्योंकि यार इतने ही हमारे सब्सक्राइबर है भाई अभी तक। तो यार अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर डैश को मेरे सब्सक्राइबर पता होंगे तभी वो यहाँ से निकल पाएगा, नहीं तो भाई उसका गेम यही खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद क्या पता उसको पता हो। तो चलो यार अब ये वाले एरिया बनाने की बारी आ चुकी है। तो ये वाले एरिया में ना मैं सोच रहा हूँ माइंस लगाने की बहुत ज्यादा खतरनाक, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रीफाइड वाला फेंस भी लगाएंगे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलो यार जल्दी से यहाँ पे हम लोग हमारा काम चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरिया बना देता हूँ नॉर्मल और इसके आगे से उसका काम चालू होगा। तो अभी मैंने ये वाले एरिया में डाल दिया है लावा, और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे लावा क्यों डाल दिया, क्योंकि यार मैंने अभी अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया है, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे एक और पार्कोर टेस्ट बनाएंगे हम लोग उसके लिए, जो कि यार बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं रहने वाला, जो कि रहेगा कुछ ज्यादा ही खतरनाक। अरे यार ये कहाँ लग रहा है, इसको हटाओ, मुझे इसको इस तरीके से यहाँ पे आगे लेके जाना पड़ेगा। और एक मिनट यार ये लाल कलर का हो जा रहा है भाई, जल रहा है तो लावा की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं भाई ये पूरा तो नहीं जलेगा ना। तो ठीक है यार इसको मैं इस तरीके से आगे की तरफ लेके जाता हूँ क्योंकि यार उसको इसी के ऊपर से पार्कोर करना पड़ेगा। और तुमको क्या लग रहा है भाई ये इतना आसान होने वाला है कि इसके ऊपर चल के उसको बस पार्कोर करना है, भाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाया है दो व्हीकल जो कि है ये डर्ट बाइक, और उसको यहाँ पे मैं दो चांस दूंगा ये डर्ट बाइक के साथ, और भाई इसी के साथ उसको चल के इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए यार इसको हम लोग थोड़ा बहुत और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ऐसा घुमा के एकदम ज्यादा हार्ड भी नहीं करूंगा क्योंकि यार वो बहुत बार मर जाएगा यार इतने में ही, और वैसे भी डैश बहुत ज्यादा नूब है।
है। अगर तुमको भी लगता है कि वो नूब है तो कमेंट में लिख दो डैश नूब और फ्लिक प्रो। चलो तो यार इतना तो काफी रहेगा। अब इसके अंदर मैं पेट्रोल बाद में भर दूंगा क्योंकि यार अभी कुछ भी हो सकता है यार, पेट्रोल की वजह से कोई हादसा होगा तो बहुत बेकार बात है। तो यहाँ पहुंचने के बाद अब भाई हम लोग यहाँ से एक नीचे का एरिया बना लेते हैं ऐसा दो टाइप का, ठीक है। अब इसको मैं एकदम नीचे तक खोदता हूँ और उसके बाद यहाँ से भी खोद देते हैं एकदम नीचे, क्योंकि अब उसको और यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। और उसके बाद ना मैं बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया बनाने वाला हूँ दो, तो वो तुमको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो तुमको समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले उसको बनाते हैं और फिर मैं तुमको बताता हूँ क्या है ये। तो चलो यार मैंने जल्दी से ये वाला एरिया तो बना लिया है। अब यहाँ पे मैं एक बेड लगा देता हूँ क्योंकि उसको रिस्पॉन भी देना पड़ेगा हमको, तो जब तक वो यहाँ पे पहुंचेगा तब उसको यहाँ पे एक रिस्पॉन मिलेगा आखिरकार। और फिर मैंने यहाँ पे ऐसा दो एरिया बना लिया जहाँ पे एक डर्ट का है और एक हमारा गोल्ड का है, तो उसको यहाँ कूदने के बाद पता चलेगा कि वो आगे कहाँ से जा सकता है। तो इसमें क्या करूंगा ना मैं, एक सबसे ज्यादा ईजी रहेगा और एक बहुत ज्यादा हार्डेस्ट रहेगा भाई, वो बस सिर्फ प्रो लोग पार कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी पार नहीं कर पाएगा। वैसे अगर उसने पार कर दिया तो भाई वो एक ही जगह पहुंचेगा दोनों से, लेकिन देखते हैं यार वो पार कर पाता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग पानी डाल देते हैं सबसे पहले और इसको हम लोग पूरा डर्ट का बनाएंगे एक साइड, और एक साइड हम लोग पूरा गोल्ड का ही बनाएंगे अब, क्योंकि यार गोल्ड वाले में मैं सोच रहा हूँ लगाने का लेजर्स भाई, लेजर्स पार करके उसको आगे जाना पड़ेगा। और ये वाला जो साइड रहेगा ना डर्ट का वो पूरा पीसफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं पूरा एरिया बना लेता हूँ इसका भी और उसका भी। तो चलो यार मैंने यहाँ पे दो एरिया तो बना लिया है, एक है हमारा ये डर्ट का और दूसरा है हमारा ये गोल्ड का। तो हम लोग भाई दोनों, और भाई जैसे ही डैश इसको पार करेगा ना भाई, चाहे वो यहाँ से पार करे चाहे वो यहाँ से पार करे, पहुंचेगा वो इधर ही। वैसे ये वाला मैं बहुत ज्यादा हार्ड बनाने वाला हूँ। और एक मिनट यार मैं शायद एक चीज भूल रहा हूँ, एक काम करते हैं सबसे पहले ऊपर जाते हैं और ये जो साइन बोर्ड मेरे हाथ में ना यहाँ पे लिख देते हैं, और भाई झूठ नहीं लिखेंगे हम लोग, सच लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वेरी हार्ड और फिर इसको हम लोग दबा देते हैं और फिर ये वाले में लिख देते हैं ईजी, ठीक है। तो भाई ये वाला सच में ईजी होने वाला है और ये तो सच में भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार सबसे पहले इधर जाते हैं हम लोग और एक, तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे लेजर्स और कुछ इलेक्ट्रीफाइड वाले फेंस, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये कचरा फेंकते हैं हम लोग और उसके बाद, और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेजर, और भाई ये लेजर हमारा ये है, और भाई उसके बाद माइन, और फिर भाई ये फेंस, और भाई इसको मैंने यहाँ पे उठा लिया इलेक्ट्रीफाइड वाला, और इसको मुझे इस तरीके से यहाँ पे रैंडम लगा देना है। तो सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे दो ब्लॉक आने दूंगा और फिर उसके बाद भाई हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर देंगे इसको लगाने की। और भाई ये ज्यादा आसान नहीं होने वाला, अरे यार ये थोड़ा गलत बन गया यार, मुझे लगता है यहाँ से एक थोड़ा साइड कम करना पड़ेगा क्योंकि ये इससे ज्यादा ब्लॉक नहीं पकड़ता है। ठीक है यार रुक जाओ यार, इसको हम लोग सबसे पहले कम कर लेते हैं एक साइड से, कोई बात नहीं यार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। चलो यार इसको मैंने कम कर लिया और अब एक मिनट, हाँ यार ये काम कर रहा है बहुत सही तरीके से। तो जल्दी से यार मुझे इसी तरीके से यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा और उसको हम लोग यार मौका ही नहीं देंगे यार एकदम जीतने का, वो भी घबरा जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब ज्यादा भी हार्ड नहीं है भाई, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं करता हूँ यार, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ठीक है यार कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम लोग थोड़ा कॉर्नर वॉर्नर में भी लगा देते हैं और शायद इतने लेजर्स काफी रहेंगे क्या, एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ। चलो बस यार इतने काफी होंगे, अब एक काम करते हैं इसके आगे से ज्यादा रास्ता नहीं बाकी है, तो यहाँ पे मैं फेंस लगा देता हूँ जो कि यार आसान तो नहीं होने वाले, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है भाई, ये उल्टा ज्यादा हार्ड है, इसको क्रॉस करना ना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होगी। मतलब अब उसको यहाँ से यहाँ लाना है और फिर हम लोग को यहाँ से घुमा के उसको, भाई कहाँ पहुंचेगा वो, एक मिनट यार मुझे देखना पड़ेगा, वो यहाँ से आगे जाएगा फिर यहाँ, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं एकदम एंडिंग तक, उसको बस यहाँ पे इतना सा क्रॉस करना है। लेकिन भाई वो मर सकता है यार, ये ज्यादा आसान भी नहीं है। तो ठीक है यार हमने ये वाला एरिया तो बना दिया, अब जल्दी से आते हैं ये वाला एरिया बनाते हैं और इसको तो मैं एकदम पीसफुल बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चीजें उठा लेता हूँ पूरी, चलो यार मैंने सारे काम की चीजें उठा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बोनविल ओनविल डाल देते हैं जो कि यार जिससे एरिया बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, और ये सब थोड़े बड़े घास जो है इसको मैं तोड़ देता हूँ, और यहाँ पे थोड़े बहुत और फ्लावर लगा देते हैं हम लोग अलग अलग टाइप के, और यहाँ पे हम लोग शीप को स्पॉन कर देते हैं भाई, ये लोग आराम से यहाँ पे रहेंगे एकदम पीसफुल तरीके से, ठीक है। और उसके बाद यार हम लोग यहाँ पे लैंटर्न लगा देते हैं, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा वैसे ये जगह भाई, सच में यार ये बहुत ज्यादा सही दिख रहा है। और भाई इतना शायद यार काफी होगा, एक काम करते हैं यार यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड के ब्लॉक्स भी लगा देते हैं भाई, थोड़ा अमीर भी दिखना चाहिए ना ये जगह। चलो इतना ठीक है, चलो यार ये वाला हमारा काम तो हो गया। अब भाई यहाँ से आगे जाने के बाद उसका एक आखिरी स्टेज रहेगा जो कि यार बहुत ज्यादा गजब रहेगा, तो ठीक है यार वो बनाते हैं। इसके बाद डैश की वैसे बॉस फाइट होने वाली है बस, तो चलो यार जल्दी से वाला एरिया बना देता हूँ मैं। तो चलो यार उसके आगे का एरिया तो मैंने बना लिया है, तो उसको भाई यहाँ से नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे होगी उसकी फाइनल वाली बॉस फाइट। वैसे मैं तुमको अभी नहीं बताने वाला हूँ कि यार वो बॉस कौन होने वाला है वो, क्योंकि मैं एकदम से डालूंगा भाई उसको और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है भाई, मैं बस इतना बताता हूँ अभी। तो यार जल्दी से चेस्ट प्लेट को मैं इधर रख देता हूँ और इसके अंदर हम लोग ये आर्मर डाल देते हैं उसके लिए, तो भाई ये पहन के उसको लड़ना पड़ेगा तब। तो भाई अब तुम लोग समझ ही सकते हो कि मैं किसको स्पॉन करने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे मेरा बिल्ड तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब उसके आने के बाद भाई गोल्डन एम्पल तो मैं उसको हाथों से ही दे दूंगा। तो जल्दी से डैश को भाई डिस्कॉर्ड में बुलाते हैं और चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, हेलो डैश, डैश टाइम अप हो गया भाई, आवाज आ रही है? अरे मेरा तो 10 मिनट पहले काम हो चुका था। अरे तू बैठा है इतने देर से, तो आजा इधर, आजा भाई बॉर्डर पे। आ गया बस वही बार है ना, आगे मत। अरे भाई सबसे पहले तेरे इसमें जाना है क्योंकि मैं सर्वाइवल में आ गया हूँ। अच्छा ठीक है आजा, हारना तो है ही तुझे, पहले हार के चल जा, वीडियो खत्म कर जल्दी। अरे ये कौन सी बात है भाई, अभी स्टार्ट तो होने दे। अरे यार तूने बनाया तो खतरनाक है शायद, लेकिन यार तेरी भाई एंट्रेंस बहुत ज्यादा आसान है, ये क्या है, क्या दिख रहा है तुझे? भाई दोनों में लावा है, लेकिन भाई इसमें तो रास्ता ही नहीं है। कौन बोल रास्ता नहीं है? अरे धक्का मत दे, ऐसे नहीं हो सकता भाई। धक्का नहीं दे रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ कौन बोल रास्ता नहीं है। भाई देख यहाँ पे रास्ता नहीं था, जाकर तो देख। अरे भाई ये तो तूने धक्का दिया, ये गलत है यार, ये धक्का दिया इसको, इसको नहीं माने।
मॉर्निंग भाई, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो चलो यार मैं वापस आ गया हूँ, और ऐसे धक्का देना अलाउड नहीं है, रुक जा। ठीक है नहीं दूंगा धक्का, अब तू खुद ही जा। भाई ये लावा शायद फेक होगा जहाँ तक के, और हाँ यार ये फेक था। और आगे में क्या है भाई, सामने में कितना अंधेरा दिख रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? और इसमें से एक फेक है ना, वो तू देख क्या है भाई, ये क्या कर रहा है, कितना लालटेन लगा दिया तूने? इसमें से एक फेक होगा शायद, ऐसा ही है, कूद के देखते हैं। ओ भाई सही आया। अब यार ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा फेक है असली। और एक मिनट यार तू दूर रह, पहले तू धक्का देता है फालतू में। ठीक है आ जा। भाई ये भी सही निकला फिर। अरे यार यहाँ पे मर गया मैं यार, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो चलो मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ, और चलते हैं यार अब आगे की तरफ। शायद ये होंगे भाई, ये तो सही आया, ये शायद वापस से तूने वही होगा। भाई ये भी हो गया। और भाई ये कितना लॉन्ग जंप है, इधर कूद कैसे सकते हैं? वो बराबर कूद सकते हैं, बहुत आसान है। अरे यार ये तूने सर के ऊपर लगाया भाई, यहाँ से कूद नहीं सकता मैं इसके वजह से। ठीक है ले ले, डर मत, बहुत घबरा जाता है। ठीक है यार चलो पहुंच जाते हैं। और भाई पहुंच गया, बस हो गया भाई, इतना ही था? नहीं बहुत सारा बचा हुआ है, अब तो दो बार मरा है, तो अब देख कितने बार और मरता है तू। भाई कुछ तो तूने किया है इसका यहाँ पे। भाई कोई तो ब्लॉक नहीं है इधर, कुछ खुल भी नहीं रहा है, इधर क्या हो सकता है? क्या यार वो तुझे ढूंढना पड़ेगा कैसे भी। भाई कुछ भी नहीं है इस साइड में। ओए अरे ओए, तो तू खुद चला गया? अरे तू ढूंढ नहीं पा रहा था, 5 मिनट हो चुके हैं। नहीं ये झूठ है, ये तू खुद ही चला गया गलती से। ओ भाई नहीं गया तो ढूंढ नहीं पा रहा था। सही है ये, अरे ये तो देखा लग रहा है, ये तो मैंने ही बनाया ऐसा कुछ, लेकिन मेरा वाला बहुत ज्यादा हार्ड है इससे। भाई तू चीटिंग किया मतलब? नहीं तूने चीटिंग किया भाई, ये कौन सी बात हुई? मैंने ऐसा बनाया, मैंने बोला बस इस टाइप से, लेकिन मेरा बहुत अलग है। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ चीटर नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। और भाई यहाँ से तो मैं डायरेक्ट कूद गया। अरे बाप रे। सही यार अब आगे चलते हैं। और ये क्या है भाई, तेरा कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है सब कुछ। अरे कभी कभी अंधेरा रहना चाहिए, अंधेरा कायम रहना चाहिए। और ये क्या है भाई इसमें से? भाई यहाँ तो नीचे दिख भी नहीं रहा है, ये क्या है यार? तुझे मुझे नाइट विजन देना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है नीचे क्या है। ठीक है पकड़। ये ठीक है, अब यार खाने को भी कुछ दे ही दे। चल ठीक है खाने को देता तुझे कुछ, तब तक देख लेते हैं हम लोग क्या इधर। यहाँ पे पानी है, और भाई यहाँ पे क्या है? ये खाने के लिए, यहाँ पे भी पानी है। अरे यार ये क्या होगा? अरे ये दे रहा है तू खाने के लिए रॉटन फ्लैश? अब जो मिला चुपचाप खाना पड़ेगा तुझे। अरे यार इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं देता। ठीक है यार खा लेते हैं भाई, ज़ॉम्बी को खाना पड़ रहा है इसके वजह से हमको। यार ये पानी मुझे रियल तो लग रहा है भाई, अब किधर जाऊं? जान दे यार इधर चले जाके देखते हैं एक बार। और क्या ये? अबे भाई ये तो नकली था, अब मैं ऊपर कैसे आऊं? पर नहीं आ सकता तो तुझे मरना पड़ेगा। अरे यार तो कैसे मरूंगा? रुक जा मेरे पास टेक्निक है तड़पा के मारने की तुझे। अरे भाई ये कौन सी बात है? अबे भाई लावा डाल दिया यार इसने, ये कौन सा ब्रूटल मौत है भाई, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। अरे यार शिट। तो चलो यार मैं वापस आ चुका हूं, और भाई यही होगा, अब तो दूसरा हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है। हां भाई ये सही था। अबे ये क्या है भाई? क्या है? और ये चेस्ट में क्या रखा है तूने? ये अच्छा मतलब यहाँ पे बॉस फाइट है मेरी। चलो यार ये सड़ा सा आर्मर पहन लेते हैं, हर बार तो यही देता है यार, ये क्या है भाई? तो क्या है मेरा फाइट किससे करूंगा मैं? फाइट करेगा तो इन लोगों से। अरे बस कर, इतने सारे क्या है? अरे ओए यार तूने कुछ दिया भी नहीं खाने के लिए मुझे। अच्छा पकड़ भाई मर गया मर गया, ये तो तूने बहुत गंदा गेम खेला है। गया मैं, मर गया नहीं मरेगा, इनकी खुद से फाइट हो गई है, इनकी खुद से फाइट हो गई है, लेकिन मर जाऊंगा। कहां है एप्पल? एप्पल भी दिया तुझे, शॉट भी है। अबे यार हाफ एचपी, हिट, बच गया। अब तो मैं मार दूंगा सबको। ठीक है यार भाई एन्चेंटेड दिया सीधा तुझे। हां ये तूने सही किया, अब मारता हूं मैं वो तो। अच्छा ये लोग भाई भटक गए, एक दूसरे को मार रहे हैं पागल जैसे, तो इनके साथ मैटर मेरा अच्छा होगा एकदम। और ओए तू और स्पॉन नहीं कर सकता? मैंने किया किसी को स्पॉन? नहीं और नहीं भाई। अच्छा भाई एक दूसरे को लड़के इन लोगों ने खुद को ही मार दिया, तो अच्छा हुआ तूने गोल्डन एप्पल दे दिया। तो चलो यार मैं तेरे पूरे बेस में, अरे यार क्या हालत हो गई मेरी, तेरे बेस में कितने बार मरा वैसे? तीन बार मरा प्लस वन, क्योंकि इस बार तो मरते वरते बचा है। नहीं तो अरे बच गया ना, ये मरना नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है तो चलो 3 बार मरा हूँ, अब तू मेरे बेस में चल, देखते हैं कौन मरता है भाई ज्यादा बार। चला जा, मैं तो मरने नहीं वाला हूँ। तो चल यार डैश भाई आ जा मेरे साइड। आ रहा हूँ। ओ भाई डायमंड का बनाया तूने? हाँ भाई डायमंड एकदम प्रो वाला। देखते क्या बनाया तूने वैसे, तो सिंपल तो दिख रहा है, देखा हुआ कैसे लग रहा है मुझे कहीं पर तो। और ये देख भाई तेरे लिए एक बोर्ड है इधर, नूब डैश। अच्छा ये सब तो मैंने देखा हुआ पहले, मुझे पता है क्या करना पड़ता है भाई। यहाँ पर जाना बेकार है मुझे लगता है, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए मुझे। इसको कैसे पता चल गया यार? यहाँ पर रास्ता दिख रहा है भाई, क्या बात है, तूने ओपन में रास्ता बनाया है। हाँ भाई ओपन में इजी एकदम। यहाँ पर यार ब्लॉक है वैसे, तो जाऊंगा तो फंस तो नहीं जाऊंगा मैं? नहीं भाई रास्ता तो वैसे इधर एक ही है, और क्या। और क्या भाई जाके देखते थोड़ा इधर उधर, रास्ता दिख रहा है? नहीं यार ये रास्ता दिख रहा है, तो खुद जाते, टाइम वेस्ट क्यों करना। अरे भाई ये फेक था यार, मुझे पानी ऐसा दिख रहा था वो, लेकिन यार जान दे अब तुझे ये तो पूरा मरना पड़ेगा भाई। मर गया पॉइजनस वाटर पे। चलो ठीक है यार इसको वापस बुला लेते हैं हम लोग। चलो डैश इधर आ गया, और भाई बहुत देर से ढूंढ भी रहा है यार, इसको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, अब क्या करूं मैं, कुछ तो होगा, कुछ तो बता दो यार। अरे यार खोल दिया इसने। अच्छा देख यार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे और एंट्रेंस हो मेरे, मुझे यही लग रहा है यार। तीन एंट्रेंस थे वहाँ पर, उधर भी तेरा एक एंट्रेंस था, मुझे पता है वहाँ पर मुझे मरना नहीं था। और पक्का लावा होगा है ना? ये तुझे पता नहीं कैसे पता चला यार? पता नहीं। ठीक है यार अब तेरे पास वैसे यही एक ऑप्शन है। चलो ठीक है अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, तो यही पर जाना पड़ेगा मुझे यार। मरा तो मरा देखा जाएगा, एक बार पहले मर चुका हूँ फालतू में। अरे भाई ये क्या है? बच गया भाई तू, ये असली लावा नहीं था। अब यहाँ से तेरा पार्कोर टेस्ट चल रहा है। अरे डैमेज कैसे पहुंच रहा है भाई? चलो देखते हैं कैसे पहुंचेगा, कब तक पता नहीं, कब तक मर भी जाऊंगा मुझे नहीं पता। तो चलते भाई इस तरफ, लेकिन ये पार्कोर है ना, सही बोल रहे हैं तू? हाँ पार्कोर है भाई, इजी वाला एकदम, ज्यादा हार्ड नहीं यार, एकदम स्टार्टिंग का स्टेज है ना, तो मैंने एकदम इजी बनाया। कूद कूद अब यहाँ से थोड़ा हार्ड चल रहा है। तो नहीं भाई मैं कूदा हूँ। हाँ ठीक है देखा, तेरे लिए इम्पॉसिबल बोला। अरे देख कूद गया भाई, ये
कहाँ आ गया तू, पैर फिसल गया। ठीक है तेरे को मैं यहाँ पे स्पॉन कर देता हूँ वापस। तो चलो मैंने डैश को वापस बुला लिया है, और डैश एक मिनट रुक भाई, कूद मत, ये ले मैंने यहाँ पे तेरे लिए 4 एन्चांटेड गोल्डन एप्पल छोड़ दिया है, अगर तू पार करता है तो ये तुझे पूरे मिल जाएंगे, जल्दी आ उसके डिस्पॉन होने से पहले। मुझे लगता है ये दोनों के दोनों रियल है, फेक तो कोई लग नहीं रहा है, और ये वाला और ये वाला किसमें कूदना चाहिए मुझे भाई? ये तो ज्यादा हार्ड होगा ना क्योंकि ये पतला सा एकदम। चल कूद गया कोई बात नहीं। अरे यार ये कैसे कूद गया तू? अब देख यहाँ पर कूदना चाहिए भाई, वो पार करके जा सकता हूँ मैं, लेकिन यार तुझे पता है डैश नंबर नाम है मेरा, तो हार्ड काम ही करता हूँ मैं। क्या बात है भाई, सर पे लगेगा आगे वाला। चलो भाई देखा जाएगा। नहीं, नहीं, भाई, भाई, पहुंच गया तू। लेकिन ये ले भाई तेरे लिए एप्पल भी है मेरे पास, ये पकड़ तू 4। वैसे तुझे मैं बता देता हूँ, अगर तू यहाँ पे कूदता तो मर जाता वैसे, लेकिन तू नहीं कूदा, लेकिन ठीक है यार वो तो रियल लग रहा था ब्लॉग। ठीक है चल, अब पता यार इसका पासवर्ड क्या होगा, तुझे क्या लगता है? तेरे सब्सक्राइबर जितने हैं, तेरे सब्सक्राइबर, पता मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं? 0। नहीं भाई नहीं आया। अरे तेरे सब्सक्राइबर कितने? 3333। अरे अबे भाई तुझे कैसे पता था? तुझे याद था? चलिए अच्छी बात है, तो यार हमको 350K जल्दी पहुंचना है इसी महीने में, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और यार एक मिनट यार तूने बंद क्यों कर दिया, मुझे तो आने दे। चल ठीक है, और ये वाला पार करो तो तूने पहले भी देखा होगा। मैं पागल हो जाऊंगा बाइक का पार करके, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। चल भाई आगे जाओ। अरे पीछे क्यों बैठा है, सामने बैठ। हाँ अब ले, पेट्रोल ही नहीं है। अरे हाँ यार मैंने पेट्रोल ही नहीं भरा, एक मिनट पेट्रोल भर देता हूँ मैं। चलो देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा है। चल भाई जा तू आगे, धीरे धीरे जाना भाई, तुझे पहले बता दे रहा हूँ। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, रुक जा भाई, ये कितना मुश्किल है, कैसे तो पार कर रहा हूँ मैं भाई। ये तो हवा में आता कर भाई, हो जाएगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं है वैसे, धीरे धीरे जाएगा तो हो जाएगा, वैसे इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अरे पीछे क्यों जा रहा है वापस? अरे रुक जा टेक्निक लगा रहा हूँ बहुत खतरनाक वाली। धूम 4 बना रहा है, धूम का हीरो डैश है बोलते हैं। चलो चलो आगे जा। अबे भाई घुस गया, गया मैं। तो चलो यार डैश वापस आ चुका है, और भाई इतना सामने भी आ गया है। चल भाई आगे जा। भाई खतरनाक काम किया मैंने पिछले 10 सेकंड के अंदर ही, भाई देखा जाएगा। अरे अरे भाई तू गाड़ी छोड़ के आ गया, ये क्या था भाई? भाई ये क्या भाई, कैसे किया मैंने, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जानते जानते हमारे पास बहुत पैसा, गाड़ी को रहने अंदर ही। चलो चलो सो जाते हैं, चलो उठ जाते वापस। अच्छा तू सो भी गया? अरे भाई इतने जल्दी क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है चल, एक मिनट यार, अब यहाँ पे तुझे रुकना पड़ेगा। तो देख यार डैश, यहाँ पे तेरे लिए 2 रास्ते हैं, एक इजी वाला और एक हार्ड वाला। अब तू सोच भाई तुझे किस में जाना? हार्ड नहीं, वेरी हार्ड है। अच्छा ठीक है भाई, वेरी हार्ड मतलब तो एक ही है ना, तुझे पता ना मैं कौन हूँ, तो मैं जाऊंगा सीधा वेरी हार्ड में, खुद रहा हूँ नीचे। चल ठीक है यार जा, देखते हैं अब तू पार कर पाता है कि नहीं। और ये क्या है भाई? भाई इजी वाले से तू एकदम सिंपल ही जा सकता था, लेकिन तूने बहुत ज्यादा गलती कर दी है, अब तुझे यहाँ पे मरना पड़ेगा शायद। देखते हैं तू पार कर पाता है कि नहीं। चल कूद, गलती तूने किया वेरी हार्ड को इजी बनाकर, अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे अरे भाई 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 फूटा अभी तेरे पास गोल्डन एप्पल है, तू आ सकता है। ऐसी बात थोड़ी ना, इतना गंदा डैमेज होता है लेजर। अरे भाई लेजर से होता है अभी भाई, ये तो आ गया हार्ड वाले से। रुक जा कैसे खाने दे मुझे। आजा इधर आजा। अरे भाई बच गया, क्या बात है, और ये तो इजी वाला, इसमें क्या है भाई? ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, इसमें तुझे आना था। चल आजा आगे चल भाई, ये तेरा लास्ट है, चले यहाँ से नीचे। ठीक है जा रहा हूँ। तो डैश हेलो, किधर है, पहुंच गया तू? अरे और क्या, इधर ही हूँ नीचे। बोले वो चेस्ट के अंदर तेरे लिए सामान है कुछ, और मेरा एप्पल खत्म हो चुका, जल्दी एप्पल दे। अरे ये ले, इसके अंदर एप्पल भी रख देता हूँ तेरे लिए, सब ले ले भाई। गोल्डन एप्पल भी नहीं दिया अच्छे से। और तुझे अपना बॉस देखना जिससे तुझे फाइट करनी है। बॉस तो मैं उसका। अरे ये ले, मार के तो दिखा इसको भाई। ये क्या है? ये है भाई राक्षस। तो ये क्या राक्षस है ये? अरे तुझे नेदरराइट का आर्मर भी दिया है और गोल्डन एप्पल भी है तेरे पास। क्या होगा मेरा? अरे भाई मारा इसने, भाई पूरा जमीन हिला दे रहा है। तो मार देखते क्या होता है। ओ भाई सब शेक हो रहा है। रुक जा यार, ये ले तुझे और भी कुछ चाहिए तो ये ले, सब ले। क्या दिया तूने? अबे लावा फेंका उसने, लावा का बॉल कैसे फेंक रहा है? देखते यार तू मार पाता है कि नहीं भाई। इतना ज्यादा आसान तो नहीं इसको मारना, लेकिन तेरे पास नेदरराइट का आर्मर है भाई। ये बंदा मार ही देगा मुझे, रुक जा, जो होगा देखा जाएगा। मैं मरने जा रहा हूँ, ये मरेगा। अरे भाई वो तो नहीं मरने वाला शायद, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। और भाई ओ मर गया यार तू, ये क्या हुआ? ठीक है यार तेरे पास और भी हार्ट बाकी है भाई, तेरा लास्ट चांस बाकी है, जल्दी आ, तुझे वापस से मैं देता हूँ चीज। तो चलो यार डैश यहाँ पे वापस आ गया है, और लड़ भाई। भाई भाई लावा फेंक रहा है ये, इसको मैंने और 2 गोल्डन एप्पल दिया है, 2 ही दिया, उसमें से एक तो खा भी लिया मैंने। ओ भाई मारा नामुमकिन है, फ्लिक कैसे मारूंगा इसको मैं, ऐसे टाइम लग जाएगा। अच्छा ठीक है यार तू ये ले इधर आ, ये ले तेरे लिए मैंने बंदूक छोड़ दिया है। अरे भाई क्या बात है, ये ले एमओ भी ले ले इससे, अब देखते हैं तू मार पाता है कि नहीं भाई। अब तो मार ही लेगा। बॉस कौन है? पूजा इसको भाई। अरे भाई ये क्या सपोर्ट दिया इसने तो भाई, ये तो पागल है, ये पागल हो गया इसने। ओ भाई ये गुस्सा हो गया शायद, मैंने तुझे बंदूक दिया इसने, लेकिन तूने इसको मार दिया भाई इजीली, मुझे मार नहीं पाएगा। ओ भाई 2 क्रीपर भी है तेरे पास भाई, इनको तो बता दो, रुक जा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो मर ही नहीं रहा। और एक मिनट भाई, इसने तो कुछ छोड़ा है। ठीक है यार भाई तूने इसको मार के जीत लिया, और तुम लोग कमेंट बताओ यार ये वीडियो में कौन जीता या कौन हारा है, तो यार उससे तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय।